गाइस, शाइना के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है और हमारे शो का नाम है गपशप विद शाइना, जिसके स्पेशल गेस्ट आज आपके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉल इंडस्ट्री के ये जॉनी सिंस कहलाए जाते हैं, और तो वेलकम कीजिए हमारे जॉनी सिंस, ब्रैकेट में हम कह देंगे शेक्सपियर। थैंक यू, व्हाट अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जॉनी सिंस एक टाइम पे यू नो ही इज एवरीवन्स फेवरेट, और ऐसे मुझे बोलते हैं यू नो, पहले शर्म आती थी, अभी मैंने सोचा यही सब बोल रहे हैं तो लेट मी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अभी तो आई फील वेरी फ्लैटर्ड बिकॉज ही इज एन आइकॉन ऑफ व्हाट द सेक्स इंडस्ट्री, तो थैंक यू। शेक्सपियर जी, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी, आपका फुल नेम क्या है? तो मेरा पूरा नाम है शेक्सपियर त्रिपाठी। त्रिपाठी, आई एम हिंदू ब्राह्मण। और आप में से कोई लड़की इन पे ट्राई मारना चाहती है तो कास्ट में रह के, ओके? नो एनी कास्ट, शादी भी कर सकते हैं। नो शादी, वो हम ट्राई करेंगे बाद में, बट ओपन है। देखो अभी तो रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब ये सिंगल इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, अवेलेबल डायरेक्टली कह रहा हूँ, अवेलेबल, जस्ट कॉल मी, डीएम कर दो बस। ओके, तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? आई वॉज बॉर्न इन ओरिसा, मैं बहरमपुर में पैदा हुआ था। Then my dad is a state government professor. Okay. तो उनका वो transfers होते थे। Then he was transferred to lot of cities. जैसे हमारे उड़ीसा में बहुत cities हैं, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर। Then मैंने अपना college किया भुवनेश्वर से, which is the capital. और school था बरमपुर में, mom teacher थी school में, English teacher. पापा professor हैं English में, तो फिर मैं भुवनेश्वर shift हो गया। तो आप मुंबई में कब आए? मुंबई एक्चुअली मैं आया था एक जॉब के लिए। ओके, तभी मैं 17, आई वाज अराउंड 17 एंड अ हाफ, मैंने एक एयरलाइंस में अप्लाई किया था। ओके, कोलकाता के थ्रू, क्योंकि 4 मेट्रोस में ऑडिशंस होते थे, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो मैं कोलकाता से सिलेक्ट हुआ था, तो मैं आया था एक एयरलाइन में कैबिन क्रू बन के, जो भी मूवी लगी है क्रू। मैंने वैसा कुछ किया नहीं स्मगलिंग, बट मैंने 7 फ्लाइट्स की डोमेस्टिक, और तभी मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, तो मैंने रिजाइन किया। मेरे फ्लाइट में एक बार शाहिद कपूर थे। वाओ, वेरी गुड। बहुत सारी एक्ट्रेसेस टॉप, सुबह 4 बजे की फ्लाइट होती थी और हम ऐसे खड़े हैं, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, यू नो, सो या। अच्छी बात है। तो मतलब आपकी जो मुंबई से ही शुरुआत, मतलब जिस टाइम आप मॉडलिंग में आए, आपने फर्स्ट कोई मूवी करी या फिर आपकी सीधी शुरुआत यहीं से हुई बोल्ड से? देखा जाए तो मैंने ओडिशा में काम किया था। मैं एक इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर था। जैसे हमारे जो उड़ीसा में बहुत उड़िया न्यूज चैनल्स हैं, एक चैनल था जो रात को एक इंग्लिश बुलेटिन करता था, क्योंकि हमारे जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उनके लिए कहते थे ऐसे। तो आई वाज अ न्यूज प्रेजेंटर, आई वाज अ मॉडल, आई वाज अ कैबिन क्रू, फिर मैंने कॉफी शॉप में भी काम किया था, आई हैड अ कॉफी शॉप इन बॉम्बे अंधेरी में। पर ये चलता रहा, मैंने शुरुआत की मॉडलिंग से। मेरा पहला एड था MS धोनी के साथ, पर चिप्स कमर्शियल, वो तभी मैं कैबिन क्रू जस्ट रिजाइन करके आया था, मुझे किसी ने बोला यू लुक गुड, व्हाटएवर, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो मैं चला गया ऑडिशन में, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही शॉर्ट्स, टी शर्ट, स्लीवलेस, जो हमारे होते ना हेडफोन्स लगा के गया था। 6 घंटा मुझे बिठा के रखा। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, बस ऐसे चिल्लाना था, ऐसे ऐसे वो करना था, मुझे लगा नॉट बैड, कर लिया। मुझे रात को कॉल आता है कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड। वेरी गुड। तो बट द प्रॉब्लम वाज आई वाज स्टिल वर्किंग। ओके। तो मैं सुबह गया, रिजाइन किया, एड वाज डायरेक्टेड बाय दिबाकर बैनर्जी, जिन्होंने लव सेक्स एंड धोखा बनाई थी, और शूट था विद द लेजेंडरी क्रिकेटर MS धोनी। तो आई रिजाइंड और मैं मॉडलिंग में आ गया। सो जिस टाइम आप वहां पे रिजाइन करने गए, तो उन्होंने कुछ रीजन पूछा या फिर मतलब वहां रिजाइन करना जरूरी होता है? मैं एकदम, आई एम वेरी ड्रामेटिक, वेरी फिल्मी, आई एम रिजाइनिंग सर, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। तो ऐसा नहीं होता कि आप पार्ट टाइम वो कर लें, आप नहीं, हमारा कैबिन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था एज कैबिन क्रू, वी रिप्रेजेंट एन एयरलाइन, तो हम कहीं भी टेलीविजन, फिल्म्स, बिकॉज़ वी रिप्रेजेंट दिस कंपनी, तो वी कांट अपीयर। तो इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि बहुत सारे जो कैबिन क्रू होते हैं, पायलट्स, आर वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि हमें फिट रहना पड़ता है BMI के हिसाब से। तो बहुत जन, जैसे मल्लिका शेरावत कैबिन क्रू थी, माधवन जो एक्टर, उनकी वाइफ कैबिन क्रू थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, आपकी सोनम बाजवा पंजाबी एक्ट्रेस, वो भी कैबिन क्रू थी, बहुत सारे, क्योंकि दे लुक अट्रैक्टिव, वी आर ग्रूम्ड वेल, यू नो, क्लीन शेवन, और मैं वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 18, तो वेरी गुड।
तो आपने मतलब उसके बाद कोई फिल्म करी या फिर डायरेक्टली? उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मैंने बहुत टॉप टॉप एड्स किए। सो आपको एक मिनट के लिए लगा नहीं होगा कि मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दी? बहुत पछतावा होता था क्योंकि मेरी सैलरी तभी थी अराउंड 30,000 और ये इंक्रीज होता था। अगर सोचो आपका लेट शिफ्ट खत्म हुआ, हमारा होता था चॉक्स ऑन एंड चॉक्स ऑफ, मतलब जो व्हील्स कितने बजे टच डाउन होता है, कितने बजे टेक ऑफ होता है। तो बहुत अच्छा सैलरी था, पैकेज अच्छा था और इंटरनेशनल होने का वो भी था ऑफर 3 years के बाद। तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ एक टाइम के बाद क्योंकि ये ऐड तो मिल गया, उसके बाद 3-4 मिल गए मुझे क्योंकि यू नो वर्ड स्प्रेड हो जाता है। बाद में जब मैंने देखा यार अब क्या, अभी तो, और वो पैसे तुरंत नहीं आते थे, 90 days के बाद आते थे। अच्छा, तो वो स्ट्रगल तब मेरा शुरू हुआ, मतलब काम करने के बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ सर्वाइवल। क्योंकि मैं बॉम्बे आया था फ्लाइट में, काम मिल गया, स्टाइपेंड मिल गया, मेरा ट्रेनिंग हुआ, पर जब सब चला गया तब मेरा एक्चुअली में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और सोचते ना, जैसे आपको मिला फिर चला गया, फिर आप उसके पीछे भागो, एंड यू आर जस्ट 18-19, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो आपको हाँ हुआ होगा कि मैंने गलती कर दी, तो उसके बाद कभी कोई काम मिला या फिर ऐसे मिले बहुत सारे? मैं थाईलैंड, फ्रांस, मैंने बहुत अच्छे अच्छे एड्स किए। आई वाज अ वेरी इन डिमांड मॉडल, बट कंसिस्टेंसी कम था। जैसे 100 ऑडिशन दिए तो 1-2 लग गए, मतलब 100 में से सब में शॉर्टलिस्टिंग हो जाता था, फाइनल होते होते टाइम लगता था, बजट्स, कॉम्पीटिंग ब्रांड्स। अगर आपने सोचो कोल्ड ड्रिंक किया तो दूसरा कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेगा, इवन दो यू आर नॉट द ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सब की वजह से बहुत, और फॉरेन मॉडल्स का कॉम्पिटिशन था जो बाहर से आते हैं, स्टार किड्स, तो उसमें यू नो मिलता रहा, बट आई वॉज डूइंग, बट वेरी डिफिकल्ट फेज था। फिर मैंने टेलीविजन भी किया, मेरा एक बड़ा, मैंने जितने भी यूथ बेस्ड शोज आते थे जैसे बिग एफ MTV पे, चैनल वी, UTV बिंदास, जी पे एक शो आता था ये तेरी गलियां करके, आई वाज डूइंग अ नेगेटिव लीड, प्राइम टाइम शो था 7 बजे। बीच में मैंने फिल्में भी की जो छोटे छोटे शहरों में लगी भी थी वो सारी, पर ये है कि वो मूवी भी थोड़ी सेक्सुअल मूवी थी शादी अभी बाकी है, जिसमें मेरा एक NRI ड्रग एडिक्ट का रोल था। थिएटर में इसका प्रीमियर भी हुआ था बॉम्बे सिनेपोलिस में। तो मैं करता रहा, आई वॉज ऑलवेज बिजी, आई वॉज डूइंग समथिंग। So, yeah. लोग आपको फॉरनर कहते हैं, पब्लिक हमारी जो कहती है कि हाँ भाई शेक्सपियर फॉरनर है, क्या आप फॉरनर है सच में? प्योर इंडियन, एकदम ग्लोबल बाय हार्ट बोल सकता हूँ, देसी, एकदम देसी, आई एम उड़िया बाय बर्थ। और पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज ऑफ माय नेम ऑब्वियसली, और मैं इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, डैड इज़ अ प्रोफेसर, तो यू कैन इमेजिन थोड़ा कल्चर है, एंड आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो थोड़ा एक्सपोजर है, बट वेरी देसी, एकदम घरेलू इंडियन टाइप। तो आपके पेरेंट्स ने जो ये आपका नाम रखा था शेक्सपियर, सो क्या सोच के रखा? एग्जैक्टली, माय डैड इज अ प्रोफेसर और मॉम डैड का लव मैरिज था। ओके, वेरी गुड। एंड तभी माय फादर हैड जस्ट जॉइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और ही वाज टीचिंग MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। माय मदर वाज डूइंग मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एंड ही वाज वेरी यंग, माय डैड वाज ओनली 25-26। असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब मिली थी उनको, वो होता है ना, वो एडहॉक टर्म होता है, मतलब दे आर नॉट परमानेंट, जस्ट लाइक प्रोबेशन टाइप्स। मम्मी को कुछ बुक लेना था उस दिन, कोइंसिडेंटली विलियम शेक्सपियर का बुक था, एंड दे मेट, और तभी उनके कॉलेज में, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज जो खलीकोट कॉलेज, वहाँ का टॉप कॉलेज है, उनका ये था कि अगर आप किसी लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, एंड इफ इट्स अ बिग एक्सपेंसिव व्हाटएवर बुक, तो आपको प्रोफेसर का साइन चाहिए। प्रोफेसर बीमार थे, तो ही सेंट माय डैड, और फिर नजरें मिली, विलियम शेक्सपियर, और ये शेक्सपियर आ गया। तो फर्स्ट चाइल्ड आप ही हैं? आई एम द सेकंड चाइल्ड, बिकॉज़ इट्स अ बॉयज नेम ना, आई हैव एन ओल्डर सिस्टर, तो उसको लड़के का नाम नहीं दे सकते थे, तो दे गिव मी अ बॉयज नेम। ओके, तो आपकी फैमिली काफी सपोर्टिंग होगी ना इस चीज में कि आप कर रहे हैं काम कुछ ऐसा? दे आर वेरी न्यूट्रल बोलूंगा, मतलब ऐसे नहीं कि सीना थान के बोलते हैं सबको माई सन्स व्हाटएवर अडल्ट फिल्म स्टार है। नहीं, अडल्ट तो नहीं, आपने जब आप कह रहे हैं कि आपने बॉलीवुड में भी बहुत एड्स किए हैं, तब ही यूज्ड टू बी वेरी प्राउड, मुझे याद है, मैं उनको भेजूंगा, मुझे कि पापा मेरा एड आ रहा है 7 बजे स्टार वर्ल्ड पे आ रहा है या जी पे आ रहा है, तो वो सबको बोलते थे। फिर मैंने रियलिटी शोज किए थे उस टाइम बहुत सारे, जो आते हैं ना जैसे चैनल वी सब पे, तो सबको पापा भेजते थे, और रिश्तेदार लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि दे वर ऑल बिग ब्रांड्स, और वो लोग खुद वो यूज़ करते थे। सो पापा वाज वेरी प्राउड एट दैट मोमेंट, एंड तभी यू नो मेरा ऐड आता था, फिर सोचो शाहरुख खान का ऐड आ रहा है, तो पापा बोलते हैं वाह यार तेरा और शाहरुख खान का एक टाइम पे आ रहा है, यू नो तू भी आगे जाएगा। ही वाज वेरी प्राउड।
चलो गाइस यहीं पे हम इस बातचीत को खत्म करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको शेक्सपियर से और कुछ जानना है, क्वेश्चन जानने हैं, तो आप इसके कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगली बार हम फिर जल्द से जल्द आपके अपने प्यारे शेक्सपियर को बुलाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।